फीडबैक। वेट, लेट मी ब्रिंग माय फोन सो आई कैन डू या अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर हियर फॉर विद आवर सिक्स्थ एपिसोड ऑफ द कुक ऑफ। और आज मेरे साथ हैं सहर एंड वी विल टॉक मोर, लेकिन पहले हम जरूरी काम कर लें, एज आई लाइक टू से एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज जी। सो वी आर लाइव, पीपल हैव जॉइन इन, थैंक यू। I'm just gonna share it on my profile. Jee Seher, so we have people joining in. Thank you everyone for joining in. ये हमारा पहला कॉम्पिटिशन था फेसबुक के ऊपर क्विकली पोस्ट करने का। सो आई हैव शेयर्ड इट ऑन माय प्रोफाइल, सहर इज जस्ट डूइंग द सेम, एंड व्हाई वी डू दिस, बिकॉज़ आवर फ्रेंड्स वेक अप एंड दे जॉइन द लाइव सेशन एंड देन दे वोट फॉर अस। सो इफ यू आर देयर, कीप सेइंग हेलो टू अस एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो सबसे पहले काम की बात, सहर, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे? And then we'll get to the introductions. So I am going to make crispy bhindi. I love bhindi, and I know बहुत सारे लोगों को bhindi पसंद नहीं होती, लेकिन I think bhindi is one of the greatest vegetables ever made. And so I want to share my love of bhindi with everyone. And also my iftari is happening, so I'm also going to share my iftari with everyone. Since I'm in Singapore, so happy iftari, everybody. चले, आपको बहुत बहुत रोजा मुबारक हो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आपको तो हमने बड़ा भगाया राइट एट द एंड ऑफ योर अवतार। सही, सो सहर, कॉम्पिटिशन के लिए मजिया मैं रेडी हूँ। सहर, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, क्या क्या करती हैं आप? इतना कुछ करती हैं कि मैंने कहा आई लीव इट टू यू। मेरा नाम सहर है। सबसे ज्यादा तो मुझे खाना पकाना और उससे ज्यादा खाना खाने का शौक है, but other than that I also do stand up comedy with a group called Auratnath. We are a comedy group that's based out of Karachi, Lahore and Islamabad. Aur jab main kisi ko ye batati hu na ki main Auratnath ke sath comedy karti hu to kehte hai aapko joke sunao, to lekin mujhe bhi koi joke nahi aata, theek hai, isliye aap aaram se pani piye aur eat something and मैं उतनी देर में लोगों को ना अपना आज की डिश इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो yesterday we sort of did an experiment जो आजकल बहुत इन हुआ हुआ है on the bloggers is to how to make these homemade patties, right? And patties का hack ये है कि you actually use frozen paratha for the dough instead of getting दूसरी वाली dough आप बाजार से लेके आए। So it's a very easy thing. We tried it and it turned out really good. So I thought कि मैं, और पहले तो वो सलाम है उनको जिन्होंने ये अजीम आइडिया सोचा था, क्योंकि ऐसे hacks are very very good. So I'm just gonna introduce my ingredients today. जी, मैंने अपने आप को ब्राइट करने के लिए पीछे बल्ब भी लगाया है, क्योंकि the kitchen is so dark. अच्छा, ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स। सो फर्स्ट इज दिस मैरिनेटेड चिकन। द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस इज क्योंकि मैंने आई थिंक इन माय वोकैबुलरी आई हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग ग्रिल चिकन। तो ये ग्रिल चिकन की मैरिनेशन ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसमें सिंपल मैरिनेशन है, जस्ट यू एड मस्टर्ड, नॉट द माई फेवरेट ब्रांड ऑफ मस्टर्ड, बट यस माई फेवरेट ब्रांड ऑफ ऑयस्टर सॉस, मस्टर्ड, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर, that works, and just leave it for even half an hour, it's good enough. Dusra ingredient jo is filling ka jo main banane ja rahi hu for the patties is the white sauce. And Seher, I made the most beautiful white sauce today following this recipe. It was so nice and smooth. Ye abhi thodi wo ho gayi hai, and then we have the corns and just some random masalas to add. Madhya, I'm feeling very competitive, mujhe lag raha hai ye patties bahut achhe honge. And of course, the frozen paratha, वो मैं निकाल नहीं रही क्योंकि वो हो जाएंगे खराब। अच्छा, तो बात ये है कि सहर, इससे मुझे आपकी टेड टॉक याद आ गई।
on being competitive. So ऐसा करेंगे, वो हम शेयर करेंगे लिंक लोगों के साथ कि वो जरूर आपके टैग दौर देखे. So सारा पहनने का बहुत शौक है. Is the background. मैं हिंदू में फर्स्ट आती हूँ. मैं पैदाइश में भी फर्स्ट थी. मतलब जैसे आई एम फर्स्ट बॉर्न. सो दैट्स हाउ मच आई लाइक बीइंग फर्स्ट. आज मुझे लगता है मदिया इज गोइंग टू प्रोवाइड वेरी टफ कंपटीशन. आई हैड टू I mean, after that talk, like I realized कि ये जो है वो काफी. और बाकी लोग जो देख के परेशान हो रहे हैं वो शहर सिंगापुर में है, तो इसलिए वो रोज अवतार कर. जी सहर, now do you want to introduce your वो या? Yes, absolutely. नहीं. So I am going to make crispy bhindi. मुझे actually सब्जियां बहुत पसंद है और मुझे लगता है when people think about Pakistan और पाकिस्तानी खाना तो लोगों को ना जैसे गोश्त का बहुत ख्याल आता है. बट आई थिंक वी हैव ग्रेट वेजिटेबल्स एंड आई कैन से मैंने और बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में सब्जियां ट्राई की हैं, लेकिन जितनी अच्छी और मज़ेदार पाकिस्तानी फ्रूट और सब्जी है और कहीं का नहीं है. बट एनी वे आई हैव सम सिंगापुरियन भिंडी विच आई एम गोइंग टू कुक फॉर यू टूडे. आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई इन्ग्रीडियंट्स. आई हैव लेड देम आउट हियर. बचपन से ना मुझे जैसे कुकिंग शो करने का बहुत शौक था. I have some bhindis and you can see, matlab kyunki I'm just one person so main thodi si bana rahi hu. Then I have some green chilies. Green chilies, yes. Neembu, sukhi hui lal mirch. Interesting, ye sukhi hui lal mirch hai. It's not the round one, it's a longer one. No, yahan pe wo round wali milti nahi hai, aap round wali bhi istemal kar sakte hain. Then for the masalas I have namak. This is pink salt, but it's namak. Doesn't look white. I have some zeera. Lal mirch, haldi and chaat powder. And one other thing that I'm going to use, जो कि मैं निकालना भूल गई थी पहले, it is besan. So I'm going to take out a little bit of besan, which we are going to add to the bhindis. Wonderful. Oh, how is the quarantine? Okay, wonderful. How has the quarantine been for you, Sahir? So Singapore mein the quarantine is very very strict. When they say lockdown, they really mean lockdown. आप किसी से नहीं मिल सकते, कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने घर में सिर्फ खाना खुद से खा सकते. तो मैं अपने घर में खाना खुद से खा रही हूँ. ज्यादा से ज्यादा मैं खाना अपने डॉगी के साथ शेयर कर लेती हूँ कभी कभी. उसको भी मेरे यहाँ खाने का बहुत शौक है. अच्छा, तो वो है कहाँ? कोई लोग पूछ रहे हैं कि भाई लड्डू किधर है. वो सो रहा है. अच्छा, क्योंकि वो बहुत शरारत करता है तो उसको पनिशमेंट मिली हुई थी. He was getting in the way, but I will bring him and we will do an introduction for Laddu the Great. Laddu! Come! 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 The biggest mistake by waking him up. He's actually not asleep. Oh, उसको जब डांट पड़ती है तो फिर वो अपने हाउस में चला जाता है और सैड हो जाता है. Laddu! Hello! Hello, Laddu! Say hi to everybody! लड्डू घर का कोई काम नहीं करता. लड्डू इज अ प्रिंस. इसको मैं बहुत कहती हूँ कि ये भी कोई हेल्प किया करे, घर के काम किया करे. बट प्लीज लड्डू डू नथिंग. शी जस्ट टचिंग. यू डू नथिंग. यस, शी हाय टू एवरीबॉडी. हेलो हेलो एवरीबॉडी. एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड टू सी लड्डू. डॉगीज आर द बेस्ट एंड वेरी. Also, the good thing about Laddu is he also really likes sabzis. Hai na Laddu? So, very one other thing I made for my iftari today was this watermelon and feta salad. Haan, main dekh rahi thi pehle. I was like, wow, that's so nice. Please, aap saath saath khati rahe. Laddu loves watermelon, so we are going to give him some watermelon. Hai na Laddu? Good? You like it? Okay, now go eat your watermelon. मैं भी अपनी भिंडियां काटना शुरू कर देती हूँ.
अच्छा सो ग्रिल चिकन का जो हैक मैंने आज शेयर करना था सबके साथ वो ये है कि यू हैव टू कुक इट एट हाई हीट, ठीक है? आपने मैरिनेट कर लिया है और उसके बाद आपने चिकन को हाई हीट पे करें कुक एंड यू विल हैव द सॉफ्टेस्ट लाइक चिकन नॉट गॉन ड्राई एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन ब्रेस्ट टू इट सो जी सर व्हाट्स ऑन योर वो भिंडी सिंगापुर में भिंडियां बड़ी जायंट होती हैं जैसे कि ये बेटा है जिसका कब जायंट भिंडी पाकिस्तान में भिंडियां की जायंट नहीं होती हाँ आपके पास रेगुलर भिंडी है जायंट भिंडी है व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली लोगों को अक्सर भिंडी इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स स्लाइमी राइट जब आप उसको कुक करते हैं तो उसमें से थोड़ी सी वो उसकी गुई गुई सी हो जाती है ठीक हो गया वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर दैट एक्चुअली बिकम गुई बिकॉज वो उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है जो बीज होते हैं ना तो हम भिंडी को इस तरह कट करेंगे टू एक्सपोज मैक्सिमम सर्फेस एरिया ताकि वो गुई ना हो आई विल जस्ट शो यू एंड फाइंड अ बड़ा छुरा एंड Just so you can see what we're going to do is pehle to just cut off the top and cut off the tip. Sari bhindiyon ke tops and tips off. So off with their head. So Madhya, do you like chips? I have lost your awaaz. There was too much noise. वो उसका chicken का तो मैंने खुद बंद की थी. अच्छा, so वो are you talking about chips? Yeah, yeah, I love the most now is the Afghani chips हमारे सांभर वाले and the chutney with it and you know that's something जो in its own एक वो you know वो हाँ मुझे भी चिप्स बहुत याद आते हैं लेकिन आजकल आई एम ट्राइंग टू बी अ थिन पर्सन तो चिप्स खाने के साथ ही वेरी बैड होता है तो आई वांट टू से भिंडी इज अ हेल्दी अल्टरनेटिव टू चिप्स व्हाट सो इंस्टेड ऑफ आलू के चिप्स यू कैन हैव दीस सूखी भिंडी चिप्स रियली दे आर नॉट रियली लाइक चिप्स बट दे आर क्रंची एंड दे आर मसालेदार सो यू नो भिंडी बहुत जायंट है बेसिकली भिंडी का हर पीस जो है ना उसके आपने फोल्ड कर लेना है So, I have cut the bhindi into four parts. Nice. So, this is how I'm going to cut all of the bhindi. Meanwhile, my grilled chicken is grilling. Actually, I've almost fried it. I've added so much. Not so grilled chicken. I just want to say, वैसे oil makes everything better. That's it. I tried all of these recipes, you know, जिसमें आप substitute करते हैं, whatever, लेकिन ये चीज़ तल के मज़ा आता है ना? हाँ. ये चीज़ में मज़ा नहीं आता. अच्छा जी. अब वो चार चार आपने काट और आपने इसको धोया वैसे ही ना जैसे regular धोते हैं. Yeah, just like, wash all the veggies and then dry them. वो जो एक या हमारा पाकिस्तानी प्रोटोकॉल है भिंडियों को धोने का भिंडी सब चीजें धो के और फिर उनको सुखा लें because you don't want the पानी to go into the when we fry them. So I wash and dry. Wonderful.
at the risk of losing my laptop, I'm going to show everyone the pyare se. Need a little more cooking. Laddu wants to go out, so I'm going to go let him go out onto the balcony. Gee, let's see. Thank you, Nasreen, for joining in. Thank you, Sara, Mahira, Fahim. Fahim, Seher is in Singapore, so aapko answer mil gaya. Anam, thank you for joining in. Shazib, Shoaib, please try some funny filters while cooking. I thought Mahari apni shakti. I don't know if we can try funny filters on this. That's a great idea, though. किस किस को भिंडी नहीं पसंद? I love भिंडी. I have a feeling मुझे बहुत पसंद है, आई कुक इट इन मेनी डिफरेंट वेज. अच्छा, आई थिंक दिस इज माय फेवरेट वे. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड अ लॉट ऑफ लव, सो व्हिच इज ग्रेट. व्हाट इज द टिकट? मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि अगर वो ना आए तो मैं उनसे फ्रेंडशिप ओवर कर दूंगी. आप कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी मिल चुकी है बेस्ड ऑन योर फोटोग्राफर ऑफ द डिश. अच्छा जी, so I'm just gonna dish out my chicken. It's ready. I don't want to overcook it. It has a nice brown color to it. फिर आपको लगता है कि अगर मैंने ज्यादा जल्दी उतार ली तो अंदर से कच्ची होगी. आई नो दिस इज अ चिकन का हमेशा होता है. वैसे तो मेरे पास एक जमाने में एक फैंसी सा थर्मामीटर होता था, उसके मैंने तो मैंने कभी दोबारा डलवाया नहीं. But now what I do is ki ek to thin kar do, and then what I do is say that I put it on very high flame. So high flame pe cook kare, to by the time ek side se aap 3 minutes 4 minutes pe aur fir aap dusri side pe flip karenge to chances are ki wo ho jayenge. Lekin kyunki aapne kaha hai to main, I mean, just to show you, that's the worst thing you can do to have an undercooked chicken. Okay, bahut garam hai, bahut sadness hoti hai jab aapke paas wo undercooked chicken piece aa jaye, hai na? लेकिन इसकी डेस्टिनेशन को इतनी प्यारी नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट गोना ब्लिट्स इट. अच्छा, आप कितनी भंडिया बना रही हैं? दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ भिंडी. अच्छा, दिस इज लाइक मे बी लाइक वन पाव और समथिंग. अच्छा, ठीक है. आई एम कुकिंग फॉर वन पर्सन. लड्डू डज नॉट ईट भिंडी. ओके, एंड स्पेशली नॉट मसाले वाली भिंडी. ही इज नॉट अलाउड टू ईट मसालास. है ना लड्डू? आर यू अलाउड टू ईट मसालास? नो यू आर नॉट. नो नो, कम हियर लड्डू, कम हियर लड्डू. हाय, से हेलो टू एवरीबॉडी अगेन. फॉर पीपल हु हैवंट सीन, दिस इज लड्डू. लड्डू, तुम कोई खाना बनाते हो? सूंघ के बताओ. ठीक है, ठीक है लड्डू. यस, लड्डू ने सूंघ लिया भिंडी. इनिशियल ओके. यस, गो गो प्ले. काशिफ अंकल इज आस्किंग व्हाट आई एम कुकिंग. आई एम मेकिंग अंकल चिकन व्हाइट सॉस में पैटीज. सो आई थिंक आई शुड पिन द कंटेंट. अच्छा जी, किस किस को भिंडी नहीं? ओनली माँ के हाथ की भिंडी. Okay. यार हाँ, मुझे भी माँ के हाथ की भिंडी बहुत याद आती है. मेरी अम्मा बहुत अच्छी भिंडी बनाती है. जैसे कि शी मेक्स एक्सेलेंट भिंडी. अग्रीड, बट अब अम्मा है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? साथ में कोई पाकिस्तानी सब्जी नहीं पसंद. साथ में ओहो, लड्डू क्या कर रहे हो तुम? Is Laddu excited to see almost see another person in the house after such a long time? Almost, yes. नहीं, आजकल हम बहुत जूम कॉल्स करते हैं, मैं और लड्डू. एवरीवन इज डूइंग जूम कॉल्स ऑल द टाइम. वैसे
अच्छा सो नाउ हियर इज आई हैव चॉप्ड अप ऑल द भिंडीज एंड सो दे आर चॉप्ड अप इन दिस प्याला लाइक दिस नाउ ओके नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड द मसालास इनटू दिस भिंडी सो फ्रॉम द मसालास आई एम गोइंग टू ऐड द नमक अच्छा मैं आप भिंडी का शौक का नमक हस्बे जायका एक मिनट मैं स्ट्रीम से बाहर जा रही हूँ ताकि आपको सारे देख सकें बिकॉज़ दिस इज वेरी क्रिटिकल आई थिंक पीपल शुड यस यस इंडीड क्रिटिकल एंड माय डॉग इज पुलिंग एट माय ड्रेस अच्छा इसमें मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका बचपन से कहने का शौक था नमक आई पुट इन अबाउट 3/4 टीस्पून नमक एंड देन 3/4 टीस्पून लाल मिर्च आई एम पुटिंग इनटू दिस भिंडी And then I am putting in half a teaspoon of haldi. ठीक है ये सब कुछ इसी में जा रहा है. And then what I'm going to do is take a little bit of besan. This is what will make it extra crispy. So I'm taking 1 teaspoon of besan and just sprinkling it on the bhindi. And this is my favorite part. तो ये मैंने सब प्याले में डाल लिए ड्राई इंग्रीडियंट्स नमक मिर्च हल्दी एंड सम ड्राई बेसन अब इसके ऊपर मैं एक प्लेट रखूंगी और मैं इसको टॉस एंड शेक एंड द आइडिया इज के द भिंडी गेट्स नाइसली कोटेड विद ऑल ऑफ द ड्राई इंग्रीडियंट्स सरप्राइज As you can see, the bhindi now looks like this. Everything has been covered in the masalas. Excellent. Excellent, Sahil. It looks really nice. I'm going to do... So, my grilled chicken is ready. I'm just going to do a little blitz. You can also cut it from your hands, but I'm just going to do the machine way. I'm going to eat some samosas. Please enjoy. I'm going to give you a break so that you... I'm not looking at it. I'm going to green chilies and I'm going to cut them. What is it? Green chilies. Oh, okay. चिकन को वो करने के बावजूद ना श्रेड करने के बावजूद जस्ट डू दिस एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग वे ये देखें इतनी देर लगनी है अभी आपको करते हुए सो दिस इज अ गुड हैक आई लर्नड दैट दैट ग्रीन चिली को भी ना बीच में से स्लाइस करें मैं ठीक है अच्छा तो आपने कोई फिर नया शो नहीं लिख लिया क्वारंटाइन के दौरान नहीं इस दौरान मैं सिर्फ अपने घर को साफ करती हूँ क्योंकि घर बहुत गंदा हो जाता है शवाब हर वक्त घर में होते हैं मुझे लगता है कि माय होल लाइफ इज स्पेंट कुकिंग एंड देन वॉशिंग डिशेस हाय दैट्स वर्क क्योंकि आई हैव टू डू वर्क फ्रॉम होम तो व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम आइदर कुकिंग और आई एम क्लीनिंग फ्रॉम द कुकिंग दैट आई हैव डन दूसरे कमरे में जा रहे होते हैं तो आई थिंक दैट्स द रीजन सो दिस इज माय अच्छा मीनवाइल जब वो आप काटे अपनी मिर्चें तो मैं जो ना ये चिकन को मैंने जो कर लिया है इसके अंदर मैं डालूंगी अपनी इट्स वेरी सिंपल सो बट एक्चुअली ये पैटीज जो है ये बहुत सिंपल है लाइक यू कैन ऐड व्हाटएवर यू हैव इन योर leftover thing aur wo sidra bhi aayi hui thi unko to main aajkal sari leftover dishes sikha rahi hu so sidra this is another leftover dish lekin of course agar aap ye scratch se banayenge to they will be yummier I'm popping the red chilies also taaki wo unke wo jo beej hai na wo nikal aaye because that's what adds like the flavor theek ho gaya acha ji likes aur hearts ka kya status hai bhai आपके दो क्या कर रहे हैं लोग कंफ्यूज ना हो जाए मदिया मैं हार खा जाऊं भाई बहुत लव सा मिल गया मुझे ओह नो लाइक्स 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 प्रेस द लाइक बटन
आपको भी कैसे लाइक मिल गए, और ये कुछ लोग हैं जो सुना था मेरे दोस्त है लेकिन उन्होंने लाइक कर दिया है, मतलब कि व्हाट इज बहुत अच्छे लोग हैं, नेक इंसान। अच्छा जी चले, ऐसे वैसे से सुना था दोस्तों ने ऐसा कुछ होता है। अच्छा सो नाउ अच्छा मैं अगले पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो जो है ना पार्ट ऑफ यूजिंग द फ्रोजन टोमेटोज एंड पुटिंग देम ऑन बेकिंग, उफ सहन मेरा बहुत ज्यादा काम है, आप जीत जाएंगी मुझे लग रहा है फौरन से। आपके कितने स्टेप हैं स्पीड में? तो मेरी रेसिपी बहुत सिंपल है और ये बहुत जल्दी से बन जाती है, इसलिए दैट्स वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई आई लाइक इट। दिस इज आल्सो रियली गुड बाय द वे, इफ यू हैविंग दाल चावल यू कैन हैव द क्रिस्पी भिंडी विद दाल चावल, इट्स अ रियली गुड कॉम्बो। ये मुझे नजर आ रही है आपके मार्केटिंग सेलिंग पॉइंट्स जो आप अपनी डिश के लिए यूज कर रही हैं। अच्छा so basically मैंने white sauce के अंदर पढ़ लिया, I'm just gonna, I have more white sauce so I'm just gonna use more of the white sauce. White sauce acts as a binder as well और एक flavor भी आ जाता है। रोज़े तो चख तो नहीं सकते, आप चख के बताएंगे सर? Thank you, yes I would love to, this looks very delicious. क्या करें मुझे बताएं कि ये क्या होगा? So I मेरे food tours का क्या होगा, आप predict करें कि हम क्या कर सकते हैं food tours? कोरोना की वजह से there should be like a thing where you could like, I mean taste is the only thing that's missing right, smell and taste yeah I wish there was a way, hai na, I wish that helped. Oh ho मैं तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए रेडी हूँ जैसे। अच्छा 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 बस मुझे एक मिनट दे दे, मैं ये इसको मिक्स कर लूँ। नहीं आप मूव कर सकती हैं, मतलब मैं आपको वैसे ही दूँ। नहीं नहीं मैं जैसे टीम प्लेयर हूँ, फेयर प्लेयर। ठीक है ठीक है सब चलता है, ठीक हो गया। मैं अपनी वाटरमेलन और फेटा सैलेड खा रही हूँ। ठीक है अपनी वाटरमेलन सेट कर, मैं जरा अपना किचन काउंटर साफ कर लूँ ताकि गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है मैं जल्दी से अपना फ्रोजन पराठा निकाल के लाऊंगा, आप अपनी। अच्छा इस सैलेड में क्या क्या डाला है ये भी बता दो हमें। ये सैलेड बहुत सिंपल है, इसमें वाटरमेलन है, फेटा चीज है, दोनों के मैंने क्यूब्स काट के डाले और फिर मिंट लीव्स को चॉप करके डालने हैं। जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, इफ यू वांट यू कैन एड अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल एंड लेमन जूस टू इट, और फिर इसको ठंडा कर लें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसको ना ठंडा करके खाएं, बहुत मजे की होती है। ओके चलो जी आई एम रेडी। प्रेजेंटिंग टू फ्रोजन पराठास, सर यू शुड फॉलो द रेसिपी टू। आई एम प्रेजेंटिंग भिंडीज एंड हरी मिर्चेस एंड लाल मिर्चेस, ओके एंड जीरा, which will all go into the next step of the dish. I am now going to move to the other counter. I'm going to move the laptop also. हाँ ये लैपटॉप की कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मेरे लैपटॉप के ऊपर से जो घी के निशान नजर आ रहे हैं मुझे, दिल पे चुड़ियां चल रही हैं मेरे। क्या करें हम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है टाइम। अच्छा सो इन फ्रोजन पराठों का ये कि यू हैव टू एक्ट अ लिटिल क्विकली इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देम ऑफ फ्रॉम द शेल्फ। मैंने नीचे डस्ट भी कर दिया थोड़ा सा क्योंकि द मोमेंट दे मेल्ट तो वो फिर हो जाते हैं। अच्छा जी यू आपने इसको सो यू कैन मेक एज मेनी शेप्स एज यू वांट, आई एम जस्ट डूइंग दीज सिंपल ट्रायंगुलर वंस। I am just heating some oil. अच्छा और olive oil? नहीं canola oil इस्तेमाल करें या कोई भी vegetable oil. But here's the part which is important. Okay. So you want to actually flavor the oil क्योंकि उससे लाइक भिंडी में बहुत अच्छा मजा आता है. So I am putting the green chilies into the oil first ताकि इनका जो flavor है ना वो oil के अंदर आ जाए. So I'm putting the green chilies and the red chilies.
इनटू द ऑयल और अब थोड़ा सा फिर हम तेल को कड़का लेंगे विद द चिली लाइट. नाइस. अच्छा जी, मीनवाइल आई एम जस्ट गोना पुट अ फिलिंग. तो आपको हॉटस्पॉट का शहर पॉट पाई याद है? Yes. Oh my God, aren't you a fan of it? Yes. क्या याद दिला दिया इस्लामाबाद. Hello. ये तो इस्लामाबाद की बात है ना, हॉटस्पॉट की. I miss इस्लामाबाद. Yesterday when we made this, हमें इतना ज़्यादा सा याद आया ना. तो just a shout out to hotspot के वो तो हमारी मतलब it's like something that you once zarur aap khayenge. Acha, so aapke wahan restaurants bhi band hai. How are you surviving as such a big foodie? You can do deliveries from places. You can't go anywhere. Aap nahi ja nahi sakte kahin ja ke kuch bhi nahi kha sakte, apne ghar mein hi kha sakte hain. So it's actually been a good time to experiment with recipes. Acha, so you haven't been ordering either because log bade wo ho rahe hain na, they are being careful. Nahi, yahan pe ordering hai. ऑर्डरिंग भी है और डॉगी भी है. हेलो डॉगी, व्हाट यू डूइंग? हेलो करो सबको. हेलो डॉगी. यस, हाय. लेट मी ट्राई टू से हाय टू एवरीवन एंड क्लाइम अप लाइक दिस ऑन टू फीट. अच्छा, तो जैसे जब वो तेल गरम होगा ना, तो इट विल स्टार्ट सिजलिंग. ओके. और जब वो थोड़ा सा सिजल करना शुरू कर दे, तो इसमें वी आर गोइंग टू ऐड अनदर टीस्पून ऑफ जीरा. अच्छा, मैंने जो है ना ये पैटीज क्लोज कर दिया यूजिंग द फोर्क, सिंपल फोर्क मेथड. एंड आई थिंक पुटिंग द फ्लावर वाज नॉट रियली अ गुड आइडिया ऑन सेकंड थॉट, क्योंकि वो ना जब आप उसको कुक करेंगे तो वो शायद डस्ट ऑफ हो जाए. ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट द एग वॉश. यस, आई एम ग्लैड यू आर फॉरगेटिंग थिंग्स. हाहा, ओह आई लव एवरीथिंग. भूल गई मैं. मैंने कहा इतना प्यारा सा येलो सा कैसे होता था. एकदम से ख्याल आया कि वो एग वॉश था. वो जल्दी ठंडा लेकर आई. ओके, सो ये द तेल इज कड़किंग और अब तेल गरम हो गया. एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट वी पुट द भिंडीज इनटू गरम गरम तेल. रियली, इट्स नॉट डायरेक्टली डीप फ्राइंग द भिंडीज, बट तेल एज यू कैन सी काफी जरा क्वांटिटी में अच्छा है, बिकॉज वी वॉन्ट के थोड़ी सी उसके अंदर ना भिंडीज इमर्स टाइप हो जाए. Perfect. अच्छा, जो थोड़ा सा ये तेल गिर गया है मुझसे, वो मैं साफ कर लू. मम्मा कहती है अगर साथ साथ सफाई करते रहो तो सब कुछ साफ रहता है. You're watching, I'm following your instructions. अच्छा जी, तो ब्रश नहीं मिल रहा हमें. क्राइसिस हो गया है नाज़नीन इधर. अच्छा, सो आई एम जस्ट गोना ये चम्मच से मैं इसके ऊपर बेसिकली एग वॉश लगा रही हूँ, क्योंकि इट्स ओके बच्चे के चम्मच. आई एम गोना पुट द भिंडीज इनटू द ऑयल. नाइस. अच्छा, ये हाई हीट पे रखा हुआ आपने? यस. नहीं, बहुत हाई हीट पे नहीं रखना, मीडियम हीट पे रखना है. And you just want to then fries these bhindis. Zyada don't shake it around. Just ek dafa wo tel mein jaise ho gayi hai immerse. So you want to just leave them in there for a while. Taki usse phir crispy honge. Agar bahut zyada hilaye julayenge to itni crispy nahi hoti in my experience. Back to consuming my watermelon and feta salad while the beans are frying. Achha ji, wo fry ho rahi hai uti der mein. I'm gonna put my... Oh no. Ye kisi ne mujhe warn kiya tha ki aise ho jata hai. Maine kaha nahi nahi, mere saath to nahi hota. Achha ji, ye maine patties dal diye hain into the baking tray and I'm gonna pop them in the oven jo preheated hai at 200. Taking out a plate.
इन विच आई एम टेक आउट द भिंडीज एंड एक इसके ऊपर मैंने वो पेपर टॉवल रख दिया है प्लेट पे ताकि घी थोड़ा ड्रेन हो जाए. हेलो पैटीज, से हेलो टू द पैटीज इन द ओवन. हेलो पैटीज. अच्छा जी, अच्छा जी, न्यू कमेंट्स आ रहे हैं. वेदर, इज इट अ हलाल सैलेड? इट इज हलाल साद. ओ सॉरी, नो सैलेड की भिंडी, सॉरी, नो नो, आई वांट टू ब्रिंग साद टू द शो नेक्स्ट. जी मैंने साद हामिद को पूछा था कि ही वांट्स टू कम. साद आप बता रहे साद कुक एनीथिंग. साद ने मुझे जो है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक से जवाब दिया था बेसिकली, क्योंकि साद को डर है कि वो मतलब क्या करेगा, उसको कुकिंग आती नहीं है बेसिकली. अच्छा, सो जो मेरी दूसरा पराठा था वो बिल्कुल नरम हो चुका है, विच इज नॉट अ गुड थिंग. बट दिस वन आई एम गोना मेक ऑन द स्टोव बिकॉज सम पीपल आस्क मी कि भाई ये तवे पे बन सकता है, एंड आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट कि बन सकता है नहीं बन सकता. But I'm still gonna try because eventually it's a paratha, so I don't think so. It's gonna be a problem. The bhindis are cooking. Acha. Frying. You know that they are cooked. जब इनका जो bright कलर होगा ना ग्रीन, वो जरा पहले थोड़ा बहुत ब्राइट होगा, एकदम से ब्राइट करें हो जाएगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ना वो एजेस से क्रिस्पी ब्राउन होने लगेंगी, दैट्स व्हेन यू विल नो इट्स डन. ओके, एंड एज एवरीबॉडी कैन सी आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद द पराठा नाउ बिकॉज़ ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए. तो आइडिया बेसिकली बेहतर यही है कि आप एक एक करके निकालें फ्रीजर से और फिर बनाते जाएं, बिकॉज़ इफ यू टेक आउट टू ऑफ देम या फिर आप आते ना करें. अच्छा, इस डिश के बारे में बताएं, who taught you this by the way? My अम्मा. Who is the queen of making sabzis? So my amma makes very, 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 very good sabzis. I can't make sabzis like she does. She has some magic touch with sabzis. Lekin funny baat ye hai ki actually meri amma ko kuch khana pakana nahi aata tha pehle. Wo itna bura khana banati thi, itna bura khana banati thi ki koi kha hi nahi sakta tha. Yes. So jab main choti thi to hum ek dafa we moved to London for a while. तो वहां पे अम्मा को खुद कुकिंग करनी पड़ती थी. दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि उनको तो बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता, क्योंकि वो खाना खा के मतलब सब रोते थे सिर्फ. इट वाज सो बैड दैट माय नानी हैड टू कुक फूड फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेंड इट टू मी. अगर कोई पीआईए पे आ रहा होता था तो उसके साथ खाना आता था. But since then, I want to say change is possible, and my amma has really become a fantastic cook, especially with sabzi. I think because unko kuch sabziyan khane ka bahut shauk hai. Seher, aapki kahani se mera. That's why she likes cooking sabzis and she's good at it. Acha. So, this is one of the sabzis she makes. अगर आप बहुत एक्स्ट्रा होना चाहते हैं अपनी भिंडी के साथ तो एक एक्स्ट्रा टिप भी है मेरे पास. दिस इज अचार का मसाला. इसके अंदर जीरा है, सौंफ है, मेथी दाना है, और थोड़ी सी अजवाइन वगैरह है, और कलौंजी. ऑल इन दिस बॉटल. यू कैन ऑल्सो एड अ लिटिल बिट ऑफ दिस इन टू द क्रिस्पी भिंडीज वाइल दे आर कुकिंग. It makes it quite. This looks like aapne khud banaya. Or did you get it from somewhere or did you mix it yourself? I got it in a packet from a store. Oh. But aap khud bhi bana sakte hain. Basically, isme you need saunf, you need kalonji, methi dana, and some zeera and some ajwain. And then all good. Very nice. Theek ho gaya ji.
So my experiment of cooking on the stove, where did I put it? तो वो जो है ना वो सही नहीं निकला. मतलब यू कैन कुक इट बट लुक इट हैजंट लाइक वो नहीं हुआ. सॉरी जला तो दिया मैंने थोड़ा सा टेरिबल स्टैंड लाइक ये वो क्रिस्पी फ्लफी नहीं हुआ. जैसे कि व्हेन यू बेक इट तो ये फ्लफी हो जाता है. तो मतलब आई मीन आई एम डेफिनेटली ईट इट एंड गिव टेल यू कि कैसे मतलब उसका फ्लेवर कैसा रहा. ओके माय भिंडीज आर ऑलमोस्ट रेडी एज यू कैन सी. अच्छा जी जिया ने भिंडी ली है आज एंड शी इज सेइंग के बस कि ये वो आज बनाने लगी हैं. जिया लुक फॉरवर्ड टू शेयर द पिक्चर्स विद अस. सो द भिंडीज आई एम जस्ट पोरिंग ऑन टू दिस प्लेट ताकि थोड़ा सा इनका वो ड्रेन हो जाए ऑयल वगैरह. Pranoti serves saying this is so cute. Thanks Pranoti. Pranoti is one of my colleagues and friends. We work together. She's also in Singapore. So thank you for tuning in. Dekhiye aapki fan following le aayi hai logon ko. Acha ji Aisha is saying khoobsurat. Aur namak to sahi dala tha Sahir aapne. Acha so the great thing about this dish is ki agar aapne sahi nahi dala namak तो आप टेस्ट कर लें और ऊपर से थोड़ा और स्प्रिंकल कर लें. सो इट्स नॉट वन ऑफ दोज वंस दैट विल गो खराब अगर नमक मिर्च कुछ आपका कम ज्यादा हो जाए. एंड अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम दोहा एंड ज़ोए टू सहर खाला वी लव लड्डू. सो दैट्स फ्रॉम हेदर. थैंक यू. आई लव लड्डू टू. अच्छा एक और मिस्ट्री भी है सहर. सना खालिद इज सेइंग के वाज इट योर फ्रेंच टोस्ट रेसिपी that I've been making. I can't remember if it was yours. Why? I do have this creme brulee French toast recipe which I love, which I came up with, which is actually really really good. Main bhi usko bahut love karti hu lekin main usko banati nahi hu kyunki wo jaise bahut fattening hai. So that has caused a lot of weight gain because of you, but she has forgotten the sugar ratios. So Sahil, I think we need to do this again. Okay, I can make my French toast in that. It'll give me an excuse to eat it also. Yes, that'll be great. अच्छा जी तो सूरत हाल ऐसी है कि ये पैटीज बड़े प्यारे तरीके से जो हैं वो राइज कर रही हैं. अच्छा मैं तो अपनी भिंडी को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ताकि इसमें से वो निकल आए तेल. पैटिंग इट ड्राई विद द पेपर टॉवल. अनम इज आस्किंग कि व्हाट इज द सीक्रेट फॉर अल्टीमेट क्रिस्पीनेस. मतलब बेसन. ऑल राइट स्प्रिंकलिंग्स ऑफ बेसन. द भिंडी लुक्स अमेजिंग. इट श्योर डज. सी आप ऐसी शेयर कह रही थी आप मुझे जो है ना मैं तो अभी टेंशन हो गई मुझे अभी भिंडी की ना जो असल सीक्रेट सॉस रेसिपी है ना जो विच रियली लाइक टेक्स द भिंडी ओवर द एज वो मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें. Oh my god. Seher, you have like 20 likes already. Okay, so this is the bhindi. Beautiful. Aapne meri ammi ki baat sun li. Haan. Ammi is like, ye kya tum karti ho? Achhe si plate mein saja ke dikhaya karo. Aur urdu bola karo sare. Maine kaha, haan. Ye aap bahut acche point do. Achha, is bhindi ka jo secret recipe greatness hai na comes from chaat masala. Oh, nice. So what to have you, to you got me there. You have to sprinkle some chaat masala onto your bhindi. Okay. So I'm just taking some chaat masala in my hand. Hasbi zaika type again. Iska koi ratio nahi hai. And you just want to sprinkle it on the bhindi. Aur thoda sa bhindi ko टॉस कर ले इस तरह टॉसिंग मॉर्निंग. दिस इज ऑलमोस्ट योर लास्ट स्टेप और यू हैव सॉफ्ट मूव. दिस इज माय लास्ट स्टेप माय डियर. ऑलमोस्ट आई हैव द फाइनल क्राउनिंग ग्लोरी स्टेप ऑन माय भिंडी. वाओ स्प्रिंकलिंग ऑफ नींबू. अच्छा मैं फिर क्विकली अपनी डिश निकालूं.
I've taken out a shiny dish for serving my patties. They are just almost done. They're just getting their golden color. Aur phir main nikalungi. It's okay. I will taste test my bhindi in the meanwhile. The lack of more conversation, koi joke hi suna de yaar. चिकन पैटीज ताकि आपको अपना लैपटॉप उठा के यूं ना करना पड़े. आज देने वाले थे मेरे. अच्छा जी, ये आपको कुछ खूबसूरती नजर आ रही है या नहीं? Oh wow, very nice. So they actually they taste exactly like the ones you find in, and they, you know, कितने प्यारे तरीके से this has come off, right? I mean I could, मैं वो जल्दी में मैंने कहा कि आपकी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं अपनी बिंदियों के साथ पोज कर रही हूँ. हम एक सेल्फी भी लेते हैं, आपको पता है, एक लाइव सेल्फी. ठीक है, मैं पोस्ट करूंगी अपनी भिंडीज के साथ. जी, सो इट्स रेडी माय पॉट पाय वो और सहर की भिंडी विद लेमन. अभी देखेंगे सेल्फी, मैं रेडी हो जाऊं. ये देखें, ये सेल्फी का यही तरीका है पाकिस्तान स्ट्रीम से. जी, so do try this out, you will really enjoy it, and I can't wait to try Seher's wonderful jiske upar wo aur limbu dal ke bhi kick kar rahi taki maar hi gaya. The limbu really adds, like, you know, very much joy to it. Na bhi limbu bade sakht hote hain, unko bada zor se ji yaar, at least isme se ras to nikal raha hai na yaar, 600 rupaye kilo. अच्छा, इसके साथ आप टोमेटो केचप भी खा लें तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. जी सहर, सो देखिए कितने मेरे अनिमो विनिंग 28 नत 30 यार, मुझे, मैंने वो जो प्ली किया था ना उसके बाद मुझे बहुत सारे हार्ट्स आ गए हैं. It's okay. I am also hearting those chicken patties. वो जो मैंने फेस बनाया था ना, पपी फेस, लड्डू के कंपैरिजन. Yeah, but actual puppy, please everyone. Like for actual puppy. Voting. Yes, Tahira, you're absolutely right. Thank you everyone for who joined in and shared their comments. Thank you. Laddu says thank you too. Bindi looks amazing. Naram paratha is bad news. Yes, it was a bad news, but we saved it. Ji, thank you so much, Sahar, for joining me today. Thank you, Maria, for having me and helping me fulfill my lifelong dream of being on a cooking show. Yes, and you can save it. You're a star now. Thank you. And thank you everyone for joining in, for messaging. We'll share the recipes in our comments. Sahar, ek pyari si tasveer khinchni apni bhindi ki, aur main bhi khinchungi aur phir hum dalenge. And thank you everyone for voting in. It's just fun doing it. Theek hai? Take care. Thanks guys. Bye. Enjoy your iftar. Bye bye.